गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई जस्ट होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी मेरी तबीयत भी ठीक है। एक्चुअली मैं अपनी कवर ठीक कर रही थी। आज है चंद्र ग्रहण है, तो इस टाइम पर भी ग्रहण लग रखा है, तो बाहर निकलने के लिए मना किया है। वैसे इंडिया में तो है नहीं, फिर भी मुझे बोला है कि सोना नहीं, खाना नहीं, तो सुबह ही खा लिया मैंने, तो मैंने नहाया नहीं है। मैं सोच रही जब ग्रहण ख़त्म हो जाएगा 11:30 बजे के बाद तब नहाऊँगी। एंड शक्ल देख रहे हो। और आज बहुत दिनों बाद घूमने गई मैं, ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अभी बज रहे हैं 10, यानी कि 1.5 घंटा और है हमारे चंद्र ग्रहण का। वैसे इतना ज़्यादा नहीं है इस बार, बट फिर भी खुद की सेफ्टी खुद के हाथ में, एज यू नो लास्ट टाइम है। तो मम्मी भी कह रही थी कि बाहर मत निकलना, देन यहाँ पे भी मम्मी जी कह रही थी कि सोना नहीं सीधे। तो मैंने एक काम किया कि मैंने ना अपनी कवर ठीक कर दी। बहुत अच्छा काम किया। एक बहुत पहले ब्लॉग मैंने दिखा था मैं ठीक कर, लेकिन फिर भी हमारा कवर हो ही जाता है तितर बितर, तो वही ठीक किए हैं। एंड मौसम हो रहा है बारिश का नहीं, हल्की फुल्की बारिश हो गई है। मम्मी गई हैं काम देखने के लिए कि कितना हो रखा है करके, और मुझे नहीं लगता कि हम लोग मतलब बेबी होने तक वहाँ जा पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी है। बट कोई नहीं, इधर ही मैनेज करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि इतनी जल्दी हमारा काम वहाँ का नहीं होने वाला, क्योंकि दो ही लेबर आ रहे हैं। सो हाँ, ये दुपट्टा देख रहे हो कैसा है, ये मैं कवर ठीक कर दी ना तब मुझे मिल गया था। और ये कॉटन का है, मैंने 120 का लिया था यहीं से, काफ़ी अच्छा है। और जैसे आपके पास कोई सिंपल सूट है तो आप इसको उसमें डाल सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी नाइस दुपट्टा। तो आप लोग बताइए क्या कर रहे हैं, और नाश्ता हो गया है कि नहीं हुआ है? तो मैं अब नहाऊंगी बाद में, तो थोड़ा तभी करूंगी, देन बाकी तो सबसे अच्छी बात यह कि मैं आप लोगों को बताना था तबीयत ठीक है, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो मम्मी ने कहा है छोटू को अगर मैं लेट आई तो तुम लोग खाना बना लेना, तो मैं तो नहीं बना सकती हूँ, तो छोटू ही बनाएंगे खाना। और बारिश स्टार्ट हो गई है। एक चीज़ है, जब भी ग्रहण लगता है ना मुझे नींद बहुत आती है उस टाइम पे। तो छोटू और दादी देख रहे हैं टीवी, मैंने कर ली है अपनी कवर ठीक। बाकी क्या लाए हो, दिखाओ, शो मी समथिंग स्पेशल टुडे। ओके, तुम दोनों कहाँ डांस वांस चल रहा है क्या? कुछ नहीं, आज बर्थडे है? नहीं, बर्थडे गजब लग रहे हो। चलो फिर बाय। तो ये है मिक्कू एंड दिशु, जो मामी ने बनाया, आई थिंक आज पूरी खीर हलवा समथिंग कुछ तो था। हाँ, पूरी की पूरी सब्जी और खीर, तो अभी तो नहीं खा सकते, बाद में खाऊंगी। मुझे एक तो मुझे ग्रहण के दिन नींद बहुत आती है, और एक भूख बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि मुझसे भूख बिल्कुल सहन नहीं होती है। मुंह देख रहे हो मेरा कितना अच्छा हो रखा है, तो पानी मैंने धोया भी नहीं, धोया नहीं, शायद मैंने पानी से धोया होगा, क्योंकि मैं सुबह घूमने गई थी। तो चलो मिलते हैं बाद में। तो मैं आज शाम को या फिर चलो देखते हैं। सो एवरीवन, मैंने नहा लिया है, अब बज गया है 1, और अब छोटू बना रही हैं खाना, मम्मी भी आ गई हैं। तो और अभी दिशु मिक्कू आए थे, उनके मैं बाल वाल बनाने में लगी हुई थी धूप। और ये टी शर्ट देखो, ये बहुत लॉन्ग है, और ये ओनली 130 रुपीज़ की है, मैंने कल ही परचेस की यहाँ से। और यहाँ पे अपने आसपास वालों को बता देती हूँ, एक शॉप खुली है न्यू, जहाँ पे भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, एंड 150 से स्टार्टेड कुर्तीज़ लग रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी हैं। अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। एक मिनट में छोटू से पूछ के बताती हूँ वो कौन सा बिहार है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जहाँ से हमने कल कपड़े परचेस किए हैं वहाँ चंदन बिहार है इधर ही पास में। अगर किसी को जानना है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दे, इंस्टाग्राम हैंडल है complete1437। बाकी जो मेरे आसपास के हैं मुझे पूछ सकते हैं, आज तो मुझे सिलेंडर मिली थी बट वही बात नहीं हो पाई। तो बस आई थिंक मैं सोच रही हूँ हम आज भी शाम को जाएंगे, मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कल क्या क्या लिया, और प्राइस भी बता दूंगी आप लोगों को। काफ़ी अच्छा खासा प्राइस में दे रहे हैं वो। और जो आज मैं इसी के साथ साथ आपको अपनी
एनिवर्सरी गिफ्ट भी दिखाने वाली हूँ। सो और हम लोगों ने छोटे और मैंने नहाने के बाद जो मामी ने हमको पूरी और चने दी थी वो हम लोगों ने ठूस लिए हैं, इसलिए अभी हमारा खाना बनने में थोड़ा लेट हो गया है। देन वैसे भी फिर चंद्र ग्रहण था तो हम लोगों ने फिर दोनों ने नहाया वगैरह, मम्मी तो अभी आ रही है जस्ट काम देख के, और बस अब दाल चावल बन रहा है, फिर हम लोग दाल चावल खाएंगे और फिर मैं ये वीडियो को कंटिन्यू रखूँगी। मैं आप लोगों को अपने गिफ्ट्स वगैरह दिखाऊँगी आज, क्योंकि बहुत टाइम से रिक्वेस्ट भी थी तो और मैंने दिखाया भी नहीं था, और तब मैं दिखा दूँगी ये कितना लंबा है, मीन्स ये पूरे नी तक आ रहा है, मुझे काफ़ी कम्फर्टेबल है, और ओनली 130 रुपीज़ का टी शर्ट है, काफ़ी अच्छा एकदम परफेक्ट। तो वहाँ पे सेल है, मतलब 100 से स्टार्टिंग लगा लो, 150 से कुर्तियाँ वगैरह काफ़ी अच्छा रखी हैं, चाहे तो ले सकते हैं, न्यू शॉप खुली है तो, और हम अगर जाएंगे तो मैं आपको शॉप भी दिखा दूँगी। ओके चलिए हम थोड़ा सिंदूर इंदूर लगा लेते हैं, भाई नहा के आए हैं तो मिलते हैं थोड़ी देर में, खाना खाने के बाद मिलते हैं। ये है ककड़ी, पहाड़ी ककड़ी, ये खीरा नहीं है, ये ककड़ी है, और ये नमक कुछ अच्छे से नहीं पिस रखा है, कल का पिसा हुआ है, कुट कुट आया हुआ नमक है। आई लव ककड़ी, आप लोग भी खाना है, आ जाओ। हाय गुड इवनिंग गाइस, क्या कर रही हैं आप लोग? सो अभी बज गए हैं 5, मैं सोई थी लेकिन आधे घंटे के लिए भी मेरी नींद खुल गई थी, और फिर बाकी लोग सोए थे तो इसके से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। लेट्स सी अगर मैं अभी कर पाई तो, बिकॉज मुझे बाहर भी जाना है, थोड़ा एटीएम वगैरह का काम है, नहीं तो मैं इस वीडियो को कल तक कंटिन्यू रखूँगी। अगेन मैं आज लिपस्टिक लाइनर लगा के आ गई हूँ, सो मैं देखती हूँ अगर ये ब्लॉग मेरा कंटिन्यू रहा तो मैं कल ही कर पाऊँगी, बिकॉज मैं आप लोगों को कल दिखा पाऊँगी। बाकी अभी मुझे थोड़ा बाहर जाना है, काम है, तो फिर मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी अपनी कल की शॉपिंग और अपना जब मेरे गिफ्ट्स हैं तो नेक्स्ट डे दिखाऊँगी। पहले मैं एक फ़ोन कॉल कर लेती हूँ। एवरीवन कैसे हैं आप लोग? तो गाइस सॉरी कल का व्लॉग तो कंटिन्यू हो नहीं पाया था, जैसे कि आपको मैंने बोल दिया था कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं बाहर चली गई थी, थोड़ा शाम को मुझे काम था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अब तो अभी बज रहे हैं 11:30 और बस नहा धो के और कपड़े वपड़े धुल रखें ये माइक। तो अभी मैं कर रही हूँ, सो अब मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। देन आपको आपके गिफ्ट, मतलब जो मेरे गिफ्ट्स हैं वो भी दिखाने हैं। मैं कितने दिन से कह रही हूँ कि मैं दिखाऊँगी पर दिखा नहीं रही हूँ। अभी 11:30 हो गए हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और मम्मी अपना काम कर रही हैं। आज काम देखने नहीं गई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, आज बारिश नहीं है। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ गिफ्ट्स वगैरह कितने हैं मेरे पास। बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि आपको पता था यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं भी नहीं, और लॉकडाउन में हमने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी तो लोग ज़्यादा थे गिफ्ट भी नहीं, बट जितने भी हैं जिन लोगों ने भी दिए हैं बहुत प्यार से दिए हैं। तो सोचा वैसे तो 1 मंथ हो गया एनिवर्सरी को, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और दूसरी बात ना, मेरे पास एक और बहाना हो जाता है कि आप लोगों के टच में रहने का, क्योंकि कोई कंटेंट नहीं होता है आजकल, क्योंकि आप लोगों को पता है ज़्यादा व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ। और तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने आप लोगों से बात भी कर लूँगी और आप लोगों के टच में भी रहूँगी। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और मेरी ओल्ड वीडियोस देखते रहिए ताकि मैं हमेशा आप लोगों के टच में रह सकूं, आप लोग मेरे टच में रह सकें। देन इस ऐसे ही हम लोग आगे को भी मिलते रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, सबसे पहले आपको गिफ्ट्स दिखाती हूँ। गाइस स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ मैं मामी के गिफ्ट से जो मुझे मामी ने दिए थे। तो मामी ने दिए हैं मुझे कुछ इस तरीके के बैंगल्स, बहुत ही प्यारे हैं, स्टोन लगे हुए हैं और काफ़ी, ये देखिए। तो ये सूट साड़ी हम किसी में भी पहन सकते हैं, इनफैक्ट मैंने अपनी एनिवर्सरी के दिन ये पहन लिए थे, यू कैन सी, लग रही है ना बहुत ही सुंदर, क्योंकि मैं खुद गई थी उनके साथ तो उनने कहा था कि तू खुद पसंद कर ले, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ग्रीन और रेड तो हर किसी में मैच जाती हैं। देन उन्होंने मुझे दूसरी चीज़ दी थी, ये परफ्यूम। तो इस टाइम मैं कोई भी फ्रेगनेंस वाली चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ तो मैं परफ्यूम यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट मैं इसको बाद में यूज़ करूँगी और काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस इसकी, मैंने चेक करके देखा था उस टाइम पे। तो ये दिए हैं मुझे मामी ने 2 गिफ्ट और मुझे काफ़ी पसंद आए, और आप लोग बताना आपको बैंगल्स कैसे लगे। देन सेकेंड गिफ्ट है मेरी बेस्ट फ्रेंड का, जिसने मेरे लिए बहुत ही अच्छी साड़ी मंगा रखी है ऑनलाइन, मैंने खुद पसंद की थी
वो ये है सिल्क की साड़ी रेड एंड येलो, और ये इसका है ब्लाउज़। ब्लाउज़ पीस मैंने कट करवा लिया था मामी से क्योंकि इसमें से थोड़े धागे निकल रहे थे। वाह, आप लोग बताना आपको कैसी लगी, इतनी प्यारी साड़ी है। थैंक यू सो मच, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे ऑनलाइन गिफ्ट की है, वो यहाँ नहीं है, वो देहरादून में है। तो आप लोग बताओ कैसी लग रही है मेरी साड़ी। कोई भी, मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मैंने उसको खुद बोला कि मुझे ये वाली साड़ी चाहिए, और ये वाली साड़ी मतलब मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसमें बस थोड़ा सा जूड़ा उड़ा बना के एकदम रेड लिपस्टिक लगा के साड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी। आप लोग बताओ कैसी लग रही है। जल्दी ही मैं इसको फुल पहन के दिखाऊंगी, अभी जस्ट साड़ी वाड़ी पहनना मुझे पसंद भी नहीं हो रहा है और पहन भी नहीं पा रही हूँ, तो किसी और दिन। वैसे कमेंट करके बताना कैसी है करके। देन अब गिफ्ट दिखाती हूँ मैं अपनी सिस्टर इन लॉ का। सो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट गिफ्ट किया है, जो कि है ये दो चांदी की बिच्छी। ये देखिए बहुत सुंदर है, बट अभी तो इस टाइम पर मैं पहन नहीं पाती क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, यू कैन सी। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये अम्ब्रेला, क्योंकि मम्मी मुझे कब से कह रही थी वो अपने लिए अम्ब्रेला ले ले बिकॉज बहुत धूप होती है, हॉस्पिटल वगैरह जाना होता है विदाउट अम्ब्रेला मत जाया कर। तो फिर मुझे छोटू ने ये दिया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि सब ने मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी यूज़ेबल चीज़ें दी हैं। देन अगेन मैं दिखाती हूँ मम्मी का गिफ्ट। ये बैग आपने देख रखा है, ये मुझे सासू माँ ने दिया है बिकॉज मैं लेके आई थी बट उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से गिफ्ट हो गया और उन्होंने मुझे इसके बदले पैसे दे दिए थे। और ये बैग मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि इसका काफ़ी यूज़ हो जाता है। मुझे अभी हॉस्पिटल जाने के लिए इसमें पानी की बॉटल, अम्ब्रेला और जस्ट फाइल, छोटा पर्स सब आ जाता है इसमें, काफ़ी स्पेस है इसमें देख सकते हैं आप लोग, तो ये काफ़ी यूज़ेबल है। तो फाइनली मैं हस्बैंड का गिफ्ट दिखाती हूँ, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि वो लोग क्या मंगा सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे दिया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ भागवत गीता, और ये उसी दिन पहुँची, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो इसको मैं पढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मैं ये नहीं कह सकती मैं दिन रात इसी को पढ़ती रहती हूँ, कभी कभी पढ़ती हूँ तो अच्छा लगता है पढ़ने से। तो बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट गिफ्ट है, बहुत कीमती है। देन अगेन मैं दिखाती हूँ आप लोगों ने मुझे क्या दिया है, बहुत फ़नी फ़नी चीज़ें दे रहे हैं आजकल मुझे। ये चार, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सोचो। आप लोग बताना आपको कैसा लगा ये बबो का गिफ्ट। मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये भी एक मतलब मोटिवेशन देने के लिए है, और ये तो खैर मैं क्या ही बोलूँ, ये मतलब इसको पढ़ने से काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। मैं ये तो नहीं कह सकती मैं रोज़ पढ़ती हूँ, बट मैं जब भी पढ़ती हूँ मन को बहुत शांति मिलती है। तो चलिए मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ एक बार बिकॉज आप लोग भी सोच रहे हैं ना अंदर से कैसी, अगर आप चाहें तो आप मंगा सकते हैं। ये फ्लिपकार्ट से मंगाई है, मैंने खुद पसंद की थी अपनी फ्रेंड को कि मुझे ये वाली साड़ी चाहिए, और एक मतलब जैसा मैंने सोचा था वैसी ही निकली है और काफ़ी अच्छी है। तो चलिए मैं आपको उसको खोल के दिखा देती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने खोल दी है साड़ी, ये साड़ी बहुत ही अच्छी है, मतलब जैसा मैंने सोचा था एकदम वैसी ही निकली, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन मंगाई थी तो बिल्कुल भी बेकार है। तो थोड़ी सी लाइटिंग की वजह से यहाँ पे इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं दिख रहा है, बट ये साड़ी काफ़ी अच्छी है। तो ये देख सकते हैं पेपी को मैंने इस पर करा दिया है, बस फॉल लगवाना है, और अभी तो मैं न्यू कपड़े कम ही ले पहनती हूँ तो इसलिए अभी ज़रूरत भी नहीं है साड़ी बनाने के, कुछ फंक्शन तो है नहीं तो बाद में ही सिलाऊंगी। तो ये देख सकते हैं ये है साड़ी और ये है रेड कलर का इसका पल्लू, देन ये है इसका ब्लाउज़, और येलो और रेड का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। रेड कलर का ये ब्लाउज़ है तो जो कि बहुत ही मतलब गाइस कैसे लगे आपके गिफ्ट, आपको गिफ्ट्स प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आपको साड़ी कैसी लगी ये ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर आप चाहें तो मंगा सकते हैं। इसका कोई रिव्यू नहीं कर रही हूँ मैं, बट बहुत अच्छी है इसीलिए बोल रही हूँ। इस पर बहुत सारे कलर भी हैं, आप देख लीजिएगा। देन बाकी और हाँ, जो मैंने आपको कल बोला था कि मैं एक शॉप के बारे में बता रही थी, वहाँ पे हम लोग कल शाम को नहीं जा पाए,
और वहाँ से कुछ हमने ड्रेसेस ली हैं। मैं सोच रही हूँ मुझे हम लोगों को कुछ एक दो और लेनी है, देन जब मैं वहाँ जाऊँगी तो आप लोगों को वहाँ की शॉप का पूरा दिखा दूँगी। जो मेरे आसपास काफ़ी लोग रहते हैं जो मुझसे कनेक्ट हैं यूट्यूब से, मतलब जो मेरे को कमेंट वगैरह करते हैं, तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ, पास में ही हैं। तो मैं आज या कल मैं जब भी जाऊँगी तो वहाँ का वीडियो ज़रूर शूट करके लाऊँगी, और मेरे को और क्या क्या लेना है ये भी मैं लेके आऊँगी, तो एक साथ उसका व्लॉग बनाऊँगी। कुछ तो हम लोग लेके आए हुए हैं, कुछ और लाएंगे तो उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं अभी क्या करते हैं। अब सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को चीज़ें दिखाई है इनको मैं सबसे पहले समेट लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी साड़ी वगैरह फोल्ड करके जो भी सामान मैंने आप लोगों को दिखाया था मैं वो रख रही हूँ। देन पता नहीं, मेरे को नहीं पता, मैंने माइक लगाया था तो मेरी वॉइस ऐसा लग रहा है कि मैंने बोलने के बाद वॉइस ओवर दे रखा है, तो प्लीज़ उसको माइंड मत करना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। आई होप आप लोग एडजस्ट कर ही लेंगे। तो अब मैंने अपने रख दिए हैं बैंगल्स वगैरह सारे, और ये है मेरी मेडिसिन जो मैं सुबह खाना भूल गई थी आयरन की, तो वही अभी खा रही हूँ। 10:30 हो गया है, फिर जाके खा रही हूँ। और दवाई से तो मुझे कितनी नफरत है ये मैं आपको क्या बताऊँ, बट खाना पड़ता है। सो एवरीवन, अभी खाना मेडिसिन वगैरह हो गई है, और जो मैंने सामान आप लोगों को दिखाया था वो मैंने भी रख लिया है, क्योंकि फिर फैले का फैला रह जाता है मेरा सामान। और प्लीज़ लाइटिंग प्रॉब्लम है तो माइंड मत करना, देन बस ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, आपको अगर कुछ भी मैसेज करना है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना, भूलना नहीं। तो मैं लिंक हमेशा देती हूँ इंस्टाग्राम का अपना, तो मुझे आप फॉलो कर सकते हैं कंप्लीट 437 में। आप वहाँ पे मुझे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपके सारे आंसर दे दूँगी। थोड़ा यूट्यूब में ये होता है कि सबके कमेंट के आंसर देना थोड़ा मुश्किल होता है, और फिर मैं आंसर रिप्लाई कर भी दूँ तो कुछ लोग देखते नहीं हैं। तो आप लोग मुझे आराम से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, प्लीज़ वीडियो वॉच करते रहिए। तो बहुत ही जल्दी फिर आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ शेयर करनी है। तो बस मैं सोच रही हूँ आज का वीडियो ही पेंड करती हूँ, और अगेन आज शायद एक और ब्लॉग स्टार्ट करूँ मैं, सरप्राइज़ है अभी नहीं बताऊँगी। तो ये वाला वीडियो मैं आज शाम तक शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आप लोग कितना प्यार दे रहे हो, और यार देखो दाने निकलने लग गए आजकल गर्मी से, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इस टाइम पे तो मैंने वीडियो बनाने के लिए फ़ैन कम कर रखा है, तो आफत आ रही है। तो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज बहुत धूप है, कल बारिश, ठीक ठाक था कल का मौसम। तो बाय बाय।